नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, रेस्टनाइज होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर नए केसेस के साथ आज फिर उपस्थित हुआ हूं। स्वर्ण केसेस की श्रृंखला में ये केस 27 वर्षीय एक महिला रोगी का है। महिला रोगी काफी सज धज करके क्लिनिक में प्रवेश की। अपने पति को उसने बोला कि आप बाहर ही बैठिए, मैं महिलाओं का केस है, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, इनको बैठने दीजिए। बोले नहीं, ये हमारे तकलीफ में ये क्या बताएंगे, तकलीफ तो मुझे है। मैं बोला कि हाँ ये बात तो है। फिर उन्होंने अपने पति को बाहर ही बैठाया और उन्होंने अपना तकलीफ बताना शुरू किया। महिला रोगी ने बताया कि डॉक्टर साहब, शादी के 3 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई बच्चे नहीं हुए हैं। हम परिवार में सबसे छोटे भाई की पत्नी हैं। परिवार में 3 बड़े हैं, हमारे पति से 3 बड़े भाई हैं और सभी के बच्चे हैं, सिर्फ हम ही के बच्चे नहीं हुए। शादी के 3 साल हो गए। हम लोग काफ़ी धनी परिवार से आते हैं और शहर में एक अच्छा नाम है, शायद आपने इनका नाम सुना होगा। उन्होंने एक बड़े हस्ती का नाम बताया, उस परिवार का कंपनी का नाम बताया। बोले कि हम उसी परिवार से आते हैं और आपको उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि इस बिजनेस से संबंधित कुछ भी लेना हो तो आप हमारे यहाँ आइए, आपको हर तरह की सुविधाएँ काफ़ी कम खर्च में हम आपको दिलवा देंगे। बस एक हमारे फ़ोन करने की देर है, आपकी सारी सुविधाएं और बहुत कम खर्च में आपको मिल जाएगा। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया। मैं भी धीरे धीरे उसके बातों में प्रभावित हो गया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, हमारे घर में हर चीज़ है, हर संपत्ति, सुख शांति सब कुछ है, हमें तबीयत में कोई भी तकलीफ नहीं है। सिर्फ एक ही तकलीफ है कि शादी के 3 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चे नहीं हैं। महिला रोगी ने बताया कि हमने पति को बार बार बोला कि आप अपना चेक करवाइए, कहीं आप में कुछ कमी तो नहीं, लेकिन वो बहुत भोले भाले मस्त हैं, कभी आज तक वो अपने इलाज के लिए नहीं गए। हाँ, वो बोलते हैं कि तुमको जहाँ इलाज करवाना है बोलो, इलाज करवा देते हैं, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है और हम दवा नहीं करवाएंगे, और इसीलिए आज तक उन्होंने अपना कोई भी इलाज नहीं करवाया। तो मैंने बोला कि अभी शादी के 3 साल ही हुए हैं, आपको ऐसी क्या चिंता है बच्चों को लेकर के कि आप सोच रहे हैं कि अभी जल्दी बच्चे हो जाना चाहिए। तो महिला रोगी ने बताया कि डॉक्टर साहब, आप जानते नहीं हैं आज का ज़माना कैसा है कि भाई भाई कोई एक साथ तो रहने वाला नहीं है, भाइयों में बंटवारा होगा, और जब बच्चे नहीं रहेंगे हमारे तो हमें हमारे नाम से कोई हिस्सा तो मिलेगा नहीं, तो हमारी जितनी भी संपत्ति है का जो हमारा हिस्सा है वो हमारे हाथों से चला जाएगा। तो मुझे डर इस बात का है कि हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो धन दौलत है, वो सभी भाइयों के पास चला जाएगा, क्योंकि उन लोगों के बच्चे हैं, हम लोग के ही बच्चे नहीं हैं। जब और आपको तो मालूम है कि अपने समाज में जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको कम संपत्ति दिया जाएगा, या फिर ये भाई के भक्त हैं, अपने भाई के साथ ही रहेंगे, तो अपने नाम से कोई संपत्ति तो मिलेगी नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे नाम से भी अपनी संपत्ति रहे, जबकि ये अपने भाइयों के भक्त हैं, भाइयों के साथ रहेंगे तो हमारे नाम से क्या रहेगा। तो मुझे डर इस बात का है कि जो हमारी अपनी संपत्ति है, जो बंटवारा होगा, तो सब हमारे हाथ से चला जाएगा। मुझे तो वही अपने हाथों से संपत्ति जाता हुआ नज़र आ रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसा न हो। कभी कभी तो मन में ऐसे भी बुरे ख्याल आते हैं कि पति में सक्षमता नहीं है या उनमें कुछ कमी है, तो कहीं और से बच्चे हो जाएं तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे तो चाहिए ही। मैं बोला कि और कोई तकलीफ, तो उन्होंने बोला कि और कोई तकलीफ नहीं, हमारा सब चीज़ ठीक है, मेंसेस भी ठीक है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि सिर्फ बच्चे नहीं हो रहे हैं।
और बच्चे नहीं होने से मेन चिंता इस बात की है कि हमारे नज़रों के सामने मुझे वो चीज़ आगे दिखाई दे रहा है जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैंने बोला कुछ भी नहीं रहेगा मतलब, बोले कि जिसके पास बच्चे नहीं होते हैं उसकी पूछ कहाँ होती है, आप कहीं भी चले जाइए आपकी पूछ तभी है, आपकी पहचान तभी है जब आपके पास बच्चे हैं, आपके पास बच्चे नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए बच्चे होना किसी भी हालत में चाहे कुछ भी उपाय करना पड़े मुझे चाहिए। और इसीलिए हमने होम्योपैथी जो कि सबसे सेफ है, मैं जानते हैं शुरू से ही कुछ भी तकलीफ़ होता है तो हमारे घर में होम्योपैथी ही लेने की परंपरा रही है। इसलिए शादी के बाद भी हमने सोचा कि होम्योपैथी से एक दवा लिया जाए और इससे निश्चित ही सफलता मिलेगी। मैं बोला कि हाँ ये बात तो सही कहा आपने, होम्योपैथी में सफलता है और इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यही केस है, यहाँ पर इस केस को आपको एनालाइज करना है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताते आया हूँ कि हम रोगी के मेन डिस्कम्फर्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और यदि हम रोगी के मेन डिस्कम्फर्ट को समझ लिए तो हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसान हो जाता है। केस के थ्रू होम्योपैथी को सीखने के लिए हमारा एक अभियान है आर्ट एंड साइंस ऑफ इजी प्रिस्क्रिप्शन इन होम्योपैथी सिमिलिबम थ्रू माइंड रूब्रिक्स सिलेक्शन ऑफ राइट सिमिलिबम मेडिसिन को और आसान बनाने के लिए हमने एक पेड कोर्स अभी शुरू करने जा रहे हैं जूम पर, जो कि ऑनलाइन वीडियो क्लासेस होगा। हर रोज़ करीब एक घंटे हम उसमें आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक राइट सिमिलर मेडिसिन के अनेक तरीकों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं, इस केस में रोगी ने अपने प्रभाव से मुझे प्रभावित करने की कोशिश किया, अपने आकर्षक बातों से, अपने आकर्षक कपड़ों से और अपनी अच्छी अच्छी बातें से हमें उसने प्रभावित करने की कोशिश किया। यहाँ पर एक रूब्रिक्स है चार्मिंग अदर्स, यानी चार्मिंग अदर्स का मतलब क्या होता है कि अपने प्रभाव से किसी को प्रभावित करना, अपने को कंट्रोल में लेना। जैसे अगर कोई किसी पर आपने चार्म कर दिया, प्रभावित कर दिया, तो वो आप वैसा करेंगे जैसा व्यक्ति वो चाहता है। तो रोगी ने उन अपने विचारों से उस तरह से मुझे चार्म करने की कोशिश किया। उसने बताया कि मेरे पास जितना इतना सारा संपत्ति है, डिलूजन वेल्थ ऑफ, और उसकी मेन चिंता क्या थी, उसे लगता था कि उसका कोई महत्व नहीं रहेगा यदि उसके पास कोई बच्चे नहीं हैं, तो उसका ना कोई महत्व रहेगा ना उसकी कोई गिनती रहेगी, और उसकी जो संपत्ति है वो अपनी आंखों के सामने जाता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ एक रूब्रिक है डिल्यूजन ग्राउंड वेवरिंग, द ग्राउंड वेयर वेवरिंग, द ग्राउंड ऑन व्हिच ही इज अस्टूड, यानी कि महिलाओं की पहचान कब है, जब उसके पास बच्चे हैं। महिलाओं की पहचान जब उसके बच्चे हैं, और बच्चे नहीं हैं तो उसकी जगह, उसका सम्मान, उसका इज्जत उसके आंखों के सामने से जाता हुआ नजर आ रहा था। उसकी धन संपत्ति उसके आंखों की नज़र से, आंखों के नज़र के सामने भाइयों के पास जाता हुआ नजर आ रहा था। तो यही मेन उसकी चिंता थी, और उसे लगता था कि अगर बच्चे नहीं हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इसलिए वो गलत तरीके से विश्वासघात करके भी, अपने भरोसे को धोखा देते हुए भी, कहीं और परपुरुष से या किसी भी तरीके से बच्चे हो जाए ऐसी वो कामना करती थी, परफिडियस। और इन सारी रूब्रिकों के आधार पर जो राइट सिमिलिबम मेडिसिन थी वो मेडिसिन थी सल्फर, और सल्फर दिए जाने के बाद उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई 8वें महीने के बाद। बाद में जब हमने पूछा
तो उन्होंने बताया कि पति को हम बार बार बोलते थे कि अपना इलाज करवाओ, लेकिन उन्होंने अपने और लोगों से पता किया था कि सीमेन काउंट कम हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने करवाया तो उनके रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल थे, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं था। तो उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल थे लेकिन पता नहीं इनमें क्या कमी थी, लेकिन सल्फर दिए जाने के बाद उनकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हुई और आज उनके बच्चे भी हैं। तो इस तरह से जब हम पेशेंट के एक्सप्रेशन को, पेशेंट के अभिव्यक्तियों को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके रिपोर्टाइजेशन करते हैं, तो हमारे लिए दवा का सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। आशा है ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो एक रिक्वेस्ट, लाइक्स, और अगर आप नए हैं इस वीडियो के लिए तो ज़रूर चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।